गुरुवार को तुलसी में क्या चढ़ाना चाहिए। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं कि गुरुवार को तुलसी में क्या चढ़ाना चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन लगातार बना रहे। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं कि गुरुवार को तुलसी में क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को अगर देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी कई रोचक बातें और ज्योतिषीय टिप्स एवं जानकारियां आपसे साझा करते रहें। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं कि गुरुवार को तुलसी में क्या चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन का खास महत्व माना जाता है। गुरुवार के दिन तुलसी में कुछ चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे पर कई चीज़ों को अर्पित किया जाता है, लेकिन गुरुवार के दिन खास किन चीज़ों को चढ़ाना चाहिए जिससे घर में धन का आगमन और सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए अब जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय पौधा होता है। इसके अलावा इस पौधे पर उनका वास भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर लाल रंग की चुनरी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से इच्छाएं पूरी होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन खासकर तुलसी के पौधे को जल दें। देवी माँ लक्ष्मी भक्तों से प्रसन्न होती हैं। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर आप कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। कच्चा दूध अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार की शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए आप इस दिन दीपक जरूर जलाएं। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर क्या चढ़ाएं और किस प्रकार से पूजा करें जिससे घर में सुख शांति और धन आगमन के स्रोत बढ़ें। तो चलिए मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।